हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइज, आज मैं फिर से जो बनाने जा रही हूँ वो है चिकन टिक्का बर्गर, क्योंकि मेरे बेटे का थोड़ा बुखार हो गया था, फीवर हो गया था, तो उसका मन कर रहा है चटपटा खाने का। अभी रात के 9 बज रहे हैं, 9 बजने वाले हैं, लेकिन उसका मन कर रहा है कुछ चटपटा खाऊं और घर में बनवा के खाऊं। तो मैं जा रही हूँ फिर से वो बनाने। अब देखिए कैसा बनता है, कैसे बनाती हूँ, और बन ले आई हूँ मैं खरीद के। इसके पापा गए चिकन लाने। 2 ब्रेड को मिक्सी में डाल के और मैंने पीस के और ब्रेड क्रम्स बना ली, और उसको हल्का सा हाई लो फ्लेम पे रख के उसको गर्म कर दी थी। और ये चिकन आ गया है मेरा। और ये जो है चिकन का टिक्का बनाने के लिए, एक अंडा डालना है आपको, अदरक लहसुन, ये प्याज, बटर, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर, ये सब। और ये सारा डाल के मिक्सी में पीस देंगे। लहसुन गया, अदरक गया, धनिया पत्ता गया, कच्चा मिर्ची भी कूद गया उसमें, और अनियन भी कूदेगा अब, प्याज भी कूद गया। और उसके बाद जो है नींबू का रस गार देंगे, तभी तो चटपटा बनेगा। और उसके बाद जो है मैं बेटा को बुलाई कि बेटा अंडा फोड़, क्योंकि अंडा फोड़ना उसी का काम है, तो अंडा को फोड़ दिया। उसके बाद जो है अभी मैं सब कुछ डाल देंगे, और लास्ट में डालेंगे नमक, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। और कॉर्नफ्लावर 3 चम्मच डाल देंगे, जिससे जो है ना वो बाइंडिंग में अच्छा होगा। और बटर भी इसीलिए डाली हूँ कि हाथ में वो चिपकेगा नहीं, सही रहता है। तो आज बनेगा चिकन टिक्का बर्गर। इसमें डाल दी मैं सोया सॉस, और उसके बाद इसको पीस के ऐसा बना ली, और इसको दूसरे बार उसमें बर्तन में निकाल ली। और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है जो मैं ली हूँ, और इसमें इसको जो है टिक्का के जैसे ऐसे बना लेंगे। अरे हम तो वीडियो बनाना भूल गए थे, तो हल्का सा तेल पे, हाथों पे ऑयल लगा लेना है आपको, और ऑयल लगा के और इसको पहले गोल गोल बनाना है, देख लीजिए कुछ इस तरह से, और गोल गोल बना के और इसको चपटा कर देना है। बट मेरा ना थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया था, मुझे लगता है इससे और पतला करना चाहिए, क्योंकि ये ना जब फ्राई करोगे तो थोड़ा सा फूलता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आपको थोड़ा पतला बनाना है, थोड़ा छोटा सा गोला बना के उसके बाद। तो ये देखिए 300 ग्राम चिकन में 7 टिक्के बने थे हमारे चिकन के। और उसके बाद जो है ये कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर में एक अंडा तोड़ के डाल देंगे, और अंडा तोड़ के हल्का सा पानी भी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा, गाढ़ा सा आपको घोल तैयार कर लेना है। और उसके बाद जो है घोल को अच्छे से मिला के, और इसको जो है टिक्का को इसमें डालेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स जो बनाए थे उसमें डिप करके अच्छे से दोनों तरफ से उसमें लगना चाहिए, जिससे कि क्रिस्पी बनता है आपका टिक्का। तो कुछ इस तरह से पूरा आपको टिक्का को कर लेना है। उसके बाद इस टिक्के सारे टिक्के को इसमें डीप करने के बाद और ब्रेड क्रम्स में डीप करने के बाद आपको आधा घंटा छोड़ देना है। आप फ्रिज में भी रख सकते हो, लेकिन मैं फ्रिज में चिकन मटन फिश नहीं रखती हूँ, तो अभी ठंडा का मौसम है, तो मैं बाहर ही इसको आधा घंटा के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये जो है ना वो हो जाए। और इधर मेरे पति देव जी जो है प्याज और खीरा काट के रख दिए हैं, और इधर सॉस बना रही हूँ मैं टोमेटो केचप और म्यूनीज मिला के। उसको अच्छे से मिक्स कर दोगे तो आपका बर्गर सॉस बन जाएगा। और ये आधा घंटा हो गया है, और मुझे चीज़ स्लाइस भी मिल गया उस पे बर्गर पे डालने के लिए। और इधर मेरे पति देव जी जो है बना रहे हैं, चिली फ्लेक्स व्लेक्स डाल दिए, और इधर मैं तेल गरम कर रही हूँ। तो गाइज बहुत टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए, ठंड का मौसम है, यदि आप वेजिटेरियन हो तो। नहीं तो आप नॉन वेज वाला भी आलू टिक्का भी बना सकते हो, बट मुझे ये ज़्यादा इजी लगा था। और जब तक बर्गर बनेगा तब तक मैं सारा खीरा खा जाऊंगी, ये मेरा वादा है। तो देख लीजिए अभी मैं खीरा खा रही हूँ, खीरा खा ली, और अभी मैं खुश हूँ इसलिए क्योंकि जो है मेरा टाइम हो गया है। अब जैसे ही तेल गरम होगा, आधा घंटा कंप्लीट हो गया, इसको डाल देंगे। मुझे ये चिकन टिक्का बनाना ना थोड़ा इजी लगा, क्योंकि आलू वाला जो है ना तेल में डालने के बाद भी ना वो फैलता है, कई बार आपका ना वो मतलब टूटने लग जाता है, ये नहीं टूटा, तो इस उसी डर से मैं पहले एक बनाई हूँ, देख लो आप, एक डाली हूँ कि ये कैसा होता है, बट मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि ये नहीं टूटा था। ये देख लीजिए, तो इसको आधा घंटा छोड़ दी थी, और ये बहुत ही, और ये देख लीजिए मैं खुश हूँ क्योंकि हमारा चिकन टिक्का नहीं टूटा ये वाला। तो ये मेरा बहुत ही क्रिस्पी टिक्का, पहला टिक्का बन गया है।
और बहुत इजी है ये बनाना भी, इजी है। आलू वाले में आप आलू डालो, मटर डालो, सब कुछ डालो, थोड़ा वो होता है। और टेस्टी तो बहुत ही बना था, क्या ही बताऊँ आपको मैं। हम 3 लोग थे उसमें, हम 6 बन लाए थे खरीद के, और 7 टिक्का बना था, और हम सब 6 बर्गर खा गए, इतना टेस्टी बना था। और ये लोग इधर टेलीविजन देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब बर्गर आएगा। सॉरी सॉरी। तो ये जो है मेरा टिक्का बन गया है, सारा टिक्का, 2 और निकाल ली मैं, और कुछ इस तरह से सारा टिक्का को मैं बना के निकाल ली। आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। और इधर मैं पति को लगा दी थी ब्रेड सेकने पे बटर लगा के, और देख लीजिए मेरा सारा टिक्का बन गया था। मैं टिश्यू पेपर पे फैला दी थी, और मैं कितना सुंदर सजाई हूँ सबको। और अब जो है सब कुछ ले आई थी, और यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, और अब मैं बनाऊँगी बर्गर गरम गरम, सब पे लगाऊंगी पहले सॉस, जो सॉस बनाई थी मैंने, टोमेटो केचप और म्यूनीज और चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो सब मिला के, कोकोमट डालूंगी, उसके बाद आप डालिए अनियन। देख लीजिए, और अनियन डालने के बाद, उसके बाद, और मेरा बेटा बोल रहा है जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, उसको बुखार लगा है, वो खाया भी नहीं था उतना अच्छा। और उसके बाद चिकन टिक्का डाल देंगे, ये देख लो, और इस पे चीज़ डाल दिए। चीज़ डालने के बाद फिर ऊपर वाला बन डाल देंगे सबके ऊपर। अभी 3 बनाई हूँ, फिर ऐसे ऐसे बना बना के हम लोग खाएं। और मैं पति को बोली थी कि अभी तावा गर्म ही था, क्योंकि उस पे ब्रेड जो बनाई थी उसी के ऊपर डाल दी, ताकि जो चीज़ जो है थोड़ा सा मेल्ट कर जाए इसके लिए। और फिर हम लोग सब मिल के बहुत ही अच्छा इंजॉय किया अपने घर में बना के, बहुत ही अच्छा लगा। 55 रुपये के, रुपया का 6 दिया मुझे बर्गर बन, और 60 रुपये के चिकन थे, और सारे सामान मेरे घर के घर में थे, अंडा वंडा सब कुछ। तो देख लीजिए हम लोग सब खा रहे हैं। तो ये रहा मेरा बाइट, और बहुत ही टेस्टी था, और अपने हाथ से बना के खाना बहुत खुशी भी मिलती है। और आप खा सकते हो दूसरा जितना बर्गर खाने का खाते मन हुए है उतना बना के, चीनी चला बाहर में रहा एक था खाओ दो खाओ, मैं। लो ये मन लो नहीं भरता है, ये लो, ये बाहर का चीनी कैसा है, बना है नहीं बना है पता नहीं। कोई चीज भी नहीं है। हम लोग पहला पे ही अटके हुए हैं। मेरा दूसरा है। मैं अब 3 टिक्की और 2 बन बचे हुए हैं। सब कुछ जो है पेट में चला गया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ तो बोलो। ये